जहां तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हमने बात कही, तो बेटियां इनको बचाना है साथ में पढ़ाना भी है। पढ़ाई बालिका 3-5 वर्ष की होती है तो उसके बाद उसकी पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, हो जाती है। स्कूली शिक्षा उसके पर्याप्त बंद किए गए हैं, लेकिन पढ़ाई का मूल मकसद 10वीं पास करने के बाद ही खत्म नहीं होता है। ये ठीक है कि न से अच्छा 10वीं 12वीं पास कर गई तो कहना कि एक लेवल तक एक लगता है कि जागरूकता आई है। अभी पिछले 2016 के अंदर जो हमारा पंचायती राज चुनाव हुआ, हमने उसमें एक प्रावधान किया कि कोई भी जो कैंडिडेट है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, 10वीं पढ़ा लिखा या कुछ क्षेत्रों में छूट दे के 8वीं भी किया। तो अच्छा लगा मुझे कि उसमें बहुत जगह पर बेटियां वो बेटों से आगे निकली। रिजर्वेशन 33% थी, लेकिन बहुत गांव ऐसे थे जहां लड़के पढ़े लिखे नहीं मिले, लड़कियां मिल गई और सर्वसम्मति से उनके चुनाव हुए। 43% प्रतिनिधित्व महिलाओं का ये हुआ पिछले पंचायती राज चुनाव में, 10% ज्यादा हुए। और हमने तो इस बार घोषणा की है कि अब अगला चुनाव जो जनवरी फरवरी में आएगा उसमें 50% भागीदारी ये हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं महिलाओं की। 50% महिलाएं, 50% पुरुष, कम से कम उनको बात करने के लिए आगे बढ़ने का एक मौका मिले। और मेरी एक और मान्यता भी है, पढ़ी लिखी महिला पढ़ी लिखी बालिका ये समाज में व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, संस्कार देने के लिए, सामाजिक जीवन का स्तर ऊंचा करने के लिए महिला का उपयोग कहीं ज्यादा है। क्योंकि महिला जिस परिवार में पैदा होती है उस परिवार की भी चिंता करती है, शादी होकर के जिस परिवार में जाती है फिर उसकी भी चिंता करती है, और बाद में जब बेटे शादी हो जाती है तो अगली पीढ़ी में ये अपने पोते पोतियां या अपने दोते दोतियां उनके परिवारों को भी संभालते हैं। तो ऐसे 3-3 पीढ़ियों को संभालने की महिला की जो एक विशेषता है, पढ़ा लिखा होना उनका बहुत जरूरी है। लेकिन पढ़ाई 10वीं 12वीं की बजाय और आगे बढ़ाया जाए। हमने इस नारे को ये कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ। अब आगे बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा का होना यह भी बहुत आवश्यक है, और इस उच्च शिक्षा के नाते से हमने कॉलेज की संख्या इसको बढ़ाने का एक संकल्प लिया है। जैसा कहा कि 15 किलोमीटर के अंदर कोई बच्ची इससे ज्यादा उसको ट्रेवल न करना पड़े, संयोग से आज जितने कॉलेज अब खोले जा रहे हैं इसके बाद कोई ऐसा इलाका हरियाणा का नहीं बचा है जहां 15 किलोमीटर से ज्यादा किसी को जाना पड़ेगा। और मेरा आज आह्वान भी है हरियाणा की जनता को, कहीं कोई स्थान बच गया हो, किसी कारण से कोई कॉलेज पहले खुला हो बाद में बंद हुआ हो और वहां 15 किलोमीटर से ज्यादा जाना पड़ता हो, तो अभी तुरंत जानकारी देंगे, हम चंद दिनों में वहां भी कॉलेज खोलने के लिए संकल्प करते हैं।